नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों पर। प्रद्युम्न सिंह तोमर बने ऊर्जा मंत्री। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं की जाएगी बिजली में कटौती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आए दिन कोई न कोई बयान वायरल होता रहता है। उन्होंने कहा कुर्सी है तो चरण कमल, हटे तो होर्डिंग से फोटो भी गायब। भोपाल समेत ग्वालियर में खिली धूप ने लोगों को दी राहत। शीतलहर अभी भी है जारी। 20 जनवरी तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूलों के खुलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए आदेश। दौर के श्री बेलेश्वर महादेव पापड़ी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आई सामने। मंदिर ट्रस्ट का दावा, नगर निगम को दी गई थी जानकारी। बीजेपी ने नगरीय निकाय उपचुनाव में 22 में 16 वार्ड पर दर्ज की जीत। 3 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जमाया अपना कब्जा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज भोपाल में प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को किया संबोधित। बोले हर विधानसभा के अंदर एक रिसर्च सेल होनी चाहिए। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। 4 महीने से नहीं मिला है स्टाइपेंड। आक्रोशित हैं 350 जूनियर डॉक्टर और 150 इंटर्न डॉक्टर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। एमएलए रेस्ट हाउस के लिए बनाया जाएगा नया प्रोजेक्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मानहानी केस में कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को 10,000 के जमानती वारंट पर किया तलब। मध्य प्रदेश की बेटी ने किया प्रदेश का नाम रोशन। अंजलि सिंह ने राष्ट्रीय साले में जीता स्वर्ण पदक। आज की खबरों में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए स्वदेश लाइव के साथ। नमस्कार।